साथियों, कांग्रेस की गलत नीतियों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा तो वो देश के छोटे किसान है। छोटे किसानों की जरूरत पर, छोटे किसानों की मदद करने पर कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पहली बार छोटे किसानों की मुश्किलों को समझा, उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की। हमने छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखकर पिछले 9 वर्ष में कृषि बजट में लगभग 6 गुना वृद्धि की है, 6 गुना वृद्धि। भाजपा सरकार में पहली बार किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। पहली बार किसानों को बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सुनिश्चित हुआ। पहली बार किसानों को इनाम के रूप में राष्ट्रीय मंडी मिली है। पहली बार किसी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिला है। पहली बार अभियान चलाकर किसानों को बीजों की 2000 नई वैरायटी दी गई है। पहली बार पशुपालकों को, मछली पालकों को उसको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पहली बार यूरिया की कालाबाजी रुकी है। नीम कोटिंग होने का फायदा किसानों को मिला है। पहली बार किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया जैसा मेड इन इंडिया उत्पाद मिला है। पहली बार अभियान चलाकर देश के 11 करोड़ किसानों को 11 करोड़ से अधिक सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू हुई है। इसके तहत अभी तक 11 करोड़ किसानों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, ये बीजेपी की सरकार है जिसने गेहूं और धान की खेती के अलावा भी किसानों को आय के दूसरे साधनों पर और ज्यादा काम किया है। पहली बार देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने और एमएसपी पर दलहन की खरीद के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया गया। पहली बार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए हमने अभियान चलाया। लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिए। पहली बार देश में प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के लिए इतना बड़ा अभियान शुरू किया गया। पहली बार शहद का उत्पादन बढ़ाने और उसके निर्यात के लिए भी बीजेपी सरकार ने विशेष मिशन चलाया। पहली बार ज्वार बाजरा जैसे भारत के श्री अन्न को वैश्विक पहचान देने का प्रयास हुआ। पहली बार किसी सरकार ने मोटे अनाज उगाने वाले देश के 2.5 करोड़ किसानों की चिंता की है। भारत के प्रयास से ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इन सब का फायदा यहाँ राजस्थान के किसानों को हुआ है, इस क्षेत्र के किसानों को हुआ है।